आप समझ लो कि अगर आपने ड्रॉप लिया है, ठीक है, तो आप एक साल का एक्सपीरियंस आपका कहीं ना कहीं कम हो रहा है। वही अगर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में चले जाते तो एक साल में आप कहाँ से कहाँ एक्सपीरियंस ले। ड्रॉपर्स में खास बात ये होती है, जैसे हम दीवार को बनाते हैं, तो अगर मान लो दीवार को दोबारा से पोताई वगैरह, मतलब समझ लो ना, दीवार को दोबारा से आपको नहीं घर बनाना है, ठीक है। दीवार में बस जहाँ पे मान लो यहाँ पे डस्ट वगैरह लगा हुआ है, तो जहाँ पे डस्ट वगैरह लगा हुआ है ना, बस उसको एक पॉलिशिंग करनी है। तो रिपीटर्स में ड्रॉप लेने का बिल्कुल भी मत सोचे। आई वुड प्रेफर कि अगर कोई अच्छा कॉलेज में कोई अच्छी ब्रांच मिल रही है तो चले जाना, इज मच बेटर देन ड्रॉपिंग द ईयर, बिकॉज इफ यू डिडंट गेट योर मच। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय, और आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक ड्रॉपर हैं या ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं JEE 24 के लिए, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो जैसा कि अभी JEE मेन का आंसर की बिल्कुल निकल गया है, तो आपको पता चल चुका होगा कि आप कितने पानी में हैं। तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि क्या मुझे IITs में जो टॉप की कोर ब्रांचेज है वो मिल सकती है, क्या मुझे कोई NIT मिल सकता है, टॉप की CSE ब्रांच वगैरह जो कोर ब्रांचेज हैं, या कोई मुझे IIIT वगैरह या कोई भी अच्छी कॉलेजेस में, जैसे बिट्स पिलानी वगैरह भी अभी एग्जाम होने वाला है, तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, या क्या मेरी इतनी तैयारी है कि मैं इन सबको निकाल सकता हूँ, क्योंकि JEE एडवांस अभी 4 जून को होने वाला है। तो अभी आपके पास टाइम है और अभी आप ये डिसाइड कर सकते हो कि क्या मेरी तैयारी है या नहीं, क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने लास्ट ईयर ड्रॉप लिया था, वो वाले बच्चे भी देख रहे होंगे और एक तो फुल्ली जो ड्रॉप लेने की प्लान कर रहे हैं। तो अब हमारा ये मुद्दा उठता है कि ड्रॉपर्स को अगर हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करें, तो एक तो वो होते हैं जो फुल्ली ड्रॉप लेते हैं, ठीक है, एक वो होते हैं जो पार्शियल ड्रॉप लेते हैं, ठीक है। पार्शियल ड्रॉप का मतलब वो होता है जो अभी मान लो किसी, मतलब अभी JEE मेन का उनका एग्जाम खराब गया, मान लो लाख के आसपास रैंक आया, उन्होंने चूज कर लिया कि कोई भी NIT कोई भी IIT जिसमें भी वो चाहें वो चले जाएं, और साथ ही साथ तैयारी करते रहें अगले बार JEE मेन देने की। तो अगर मान लो कि उनको ऐसा लगा कि भाई कॉलेज से अच्छा रैंक अगर मिल गया, अगर वो अच्छा में अपने आप को अपग्रेड कर लिए, तो वो इस पर्टिकुलर कॉलेज को छोड़ करके वहाँ चले जाएंगे। अगर आपकी अच्छी नहीं गई, मान लो दोबारा JEE मेन दिया कुछ भी अच्छा नहीं गया, तो दोबारा वहीं पर रहने का सोचते हैं। तो एक तो ये होता है पार्शियल ड्रॉप, मतलब आप फुल्ली डिवोटेड नहीं होंगे कि मुझे ड्रॉप ही करना है ना। तो और एक होता है कि फुली ड्रॉप। फुली ड्रॉप का मतलब क्या होता है भाई, अभी JEE एडवांस आने वाला है, कुछ लोगों को पता चल चुका है कि उनकी उतनी औकात नहीं है कि वो JEE क्रैक कर सके, तो वो अभी से ही कहीं ना कहीं अप्रैल से ही बैचेस शुरू कर देते हैं, और जिनको पता होता है कि मुझे तो JEE 24 में ही देना है, एक वो बच्चे होते हैं। एक वो भी बच्चे होते हैं जिनको पता है कि हम 23 वाला में JEE एडवांस देंगे, तो वो बाद में जा करके रिपीट करते हैं, मतलब JEE एडवांस का एग्जाम वगैरह हो जाता है, रिजल्ट वगैरह हो जाता है, और फिर उनके पास करीबन करीबन 9 मंथ्स बचता है, जिनको रिपीटर्स बोलते हैं, और ये मोस्ट ऑफ द बच्चे यही वाले होते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के बच्चे होते हैं, पार्शियल होते हैं जो कॉलेज वगैरह में चले जाते हैं, एक वो होते हैं जो JEE एडवांस का वेट करते हैं, और एक वो होते हैं जो JEE मेन के बाद ही उनको अपना पता चल जाता है एंड दे वॉन्टेड टू टेक अ ड्रॉप, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी ड्रॉपर्स की स्ट्रेटेजी के लिए। मैं यही बोलूंगा कि ड्रॉपर्स में खास बात यही होती है कि उनको दोबारा से सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है। ड्रॉपर्स पूछते हैं ना लोग कि भैया क्या मैं निकाल सकता हूँ, क्या मैं 9 मंथ्स में क्रैक कर सकता हूँ। तो मेरा यही कहना है कि ड्रॉपर्स में खास बात यही होती है, जैसे हम दीवार को बनाते हैं, तो अगर मान लो दीवार को दोबारा से पोताई वगैरह, मतलब समझ लो ना, दीवार को दोबारा से आपको नहीं घर बनाना है, ठीक है। दीवार में बस जहाँ पे मान लो यहाँ पे डस्ट वगैरह लगा हुआ है, तो जहाँ पे डस्ट वगैरह लगा हुआ है ना, बस उसको एक पॉलिशिंग करनी है। तो रिपीटर्स में ये नहीं होता है कि अभी दोबारा से बिल्कुल घर भर बनाना एकदम, नहीं, घर ऑलरेडी बना हुआ है, टूट गया है, उसकी बस मरम्मत करनी है, और मरम्मत करने के लिए 9 मंथ्स इज मोर देन सफिशियंट। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप कोई स्कूल से भी अगर पढ़ के आए हुए हैं, तो आपको बेसिक तो पता होगा ना, डेफिनेशंस तो पता होंगे ना, फॉर्मूला तो पता होगा ना। अगर मान लो JEE मेन में इजी, मीडियम और टफ क्वेश्चन पूछता है, तो आपको इजी क्वेश्चंस तो करने आते होंगे ना। तो अगर आपने इजी की मेहनत कर लिया है, तो 9 मंथ्स आर मोर देन सफिशियंट टू सॉल्व द मॉडरेट क्वेश्चन, और इजी और मॉडरेट से ही तो सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले मोटिवेशन की बात यही थी, ध्यान में यही रखना है कि अगर आप ड्रॉपर, अगर आप रिपीटर्स हो, तो आपको JEE मेन का बेसिक लेवल सब कुछ पता होता है, यू हैव टू जस्ट पॉलिश योर स्किल्स। तो ड्रॉपर्स में अगर आपको ये डर लग रहा है, और आपकी मोटिवेशन के लिए मैं बता दूं कि ड्रॉपर का एक बच्चा जो था वो AIR 1 भी ला चुका है, तो आप ये समझ सकते हो कि ड्रॉपर वाला बच्चा भी कुछ भी हासिल कर सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विल। अगर आप अंदर से हार जाओगे तो बिल्कुल नहीं हार पाओगे।
ऑन ए ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ट्वेल्थ वाले बच्चे ज़्यादा सिलेक्शन रेशियो देते हैं, वो सिलेक्शन रेशियो रिपीटर्स ज़्यादा देते, अच्छी रैंक ट्वेल्थ वाले देते। ऐसा इसलिए देते क्योंकि वो फ्रेशर्स होते हैं, उनके माइंड में इतना ज़्यादा सोच नहीं रहता है कि अब इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो जब फ्रेश माइंड से कोई भी बच्चा एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो वो अपनी ज़्यादा एफिशियंसी दे पाता है। जब हम रिपीटर्स में होते हैं तो 10 प्रकार के हमारे पास थॉट चल रहे होते हैं, भाई मैंने अपना एक साल बर्बाद कर दिया, क्या मैं अपनी एफिशिएंसी दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर दैट मेक योर रिजल्ट डिग्रेड। तो आपको ये सब नहीं सोचना है कि अब जो हो गया सो हो गया, ठीक है। आप एक साल, हाँ एक चीज और मैं बताऊंगा, कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि यार अगर हम कंपनी में चल जाए ट्वेल्थ में तो, मतलब आप समझ लो कि अगर आपने ड्रॉप लिया है ठीक है तो आप एक साल का एक्सपीरियंस आपका कहीं ना कहीं कम हो रहा है। वही अगर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में चले जाते तो एक साल में आप कहाँ से कहाँ एक्सपीरियंस ले लेते। तो आपको ये डिपेंड करना है, अगर जो बच्चे भी ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पहले सोचना है कि क्या ड्रॉप लेना वाजिब भी है या नहीं। क्योंकि मेरी अगर मानो तो अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ले लेते हो, बाद में वैसे भी ये सब काम तो आता नहीं है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह काम नहीं आता, बाद में कोडिंग ही काम आती है। तो अगर आपकी कोडिंग अच्छी होगी तो आप जो भी ड्रॉप लोगे उससे काफ़ी ज़्यादा आप एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हो और आप अपनी लाइफ में काफ़ी ऊपर चले जाओगे। इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि आजकल जो जेई मेन का एग्जाम हो गया, हमारे टाइम पे एक होता था, अब जेई मेन दो दो बार हो रहा है। अगर जेई मेन दो दो बार हो रहा है तो अगर दो बार में भी नहीं निकल रहा है, मतलब समझ रहे हो कई लोग। हाँ एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जेई मेन के लिए तो डबल ड्रॉप भी होता है, तो प्लीज़ अगर डबल ड्रॉप है तो प्लीज़ अवॉइड डबल ड्रॉप। डबल ड्रॉप का कोई सेंस नहीं बनता है। जो भी आपको प्राइवेट कॉलेजेस में सीएससी वगैरह अगर मिल रहा है कहीं पर तो प्लीज़ टेक इट, है ना। डबल ड्रॉप से कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि बाद में आप जब कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे लिखा रहता है सिंगल ड्रॉप, है ना। मल्टीपल ड्रॉप वालों को कई बार कैप्सिमनी वगैरह जो कंपनीज होती है वो ऑप्शन भी नहीं देती है बैठने के लिए। तो बिल्कुल भी ये सब करना नहीं होता है, ठीक है। बाकी अगर मैं कुछ स्ट्रेटेजीज की बात करूँ जो ड्रॉपर्स के J24 के हैं, तो उसमें सबसे पहला ये रहेगा मेरा स्ट्रेटेजी कि क्वेश्चन सॉल्विंग पे आपको टाइम देना है, क्वेश्चन सॉल्विंग पे, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गॉन विद द थ्योरी पार्ट। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको थ्योरी वगैरह बहुत अच्छे से आती होगी, तो आपका जो टाइम जाना चाहिए वो क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाना चाहिए, जिसमें DPP विल बी योर टूल। DPP से आप फेमिलियर नहीं हो तो अगर आप कोचिंग इंडस्ट्री वगैरह में आओगे तो DPP से आप शुरुआत करना है, DPP एंड टेस्ट पेपर को एनालाइज करना, ये शुरू से होना चाहिए। मतलब मेरे ख्याल से अगर ड्रॉपर और एक फ्रेशर में अंतर पूछा जाए, क्योंकि फ्रेशर को 12th का एग्जाम भी देना होता है तो उसको एक NCERT लेवल पे चलना पड़ता है थोड़े मोमेंट के लिए, लेकिन अगर आप रिपीटर्स हो तो आपको NCERT से थोड़ा सा दूर रहना है। NCERT ओनली फॉर केमिस्ट्री आप इनऑर्गेनिक के लिए यूज कर सकते हो, बट NCERT लेवल पे आप नहीं जा सकते। एक ड्रॉपर की स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए। प्रॉपर में बाकी सब जो 12th वाले रहते हैं वही रहता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग पे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड अगर अभी आपका जेई मेन हुआ है तो पहले ये एनालाइज करो कि हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं, क्योंकि आपने एक बार पेपर दे दिया, अब आपको पता है कि आपके टॉपिक्स कौन से कमज़ोर हैं कौन से स्ट्रॉन्ग हैं। तो जो टॉपिक्स भी आपके कमज़ोर रह गए हो तो उसको एडिशनली 1 आवर्स दे दे करके क्वेश्चन सॉल्विंग पे ट्राई करो। जहाँ का क्वेश्चन मिलो वहीं का लगाना स्टार्ट कर दो। तो आई वुड प्रेफर कि अगर मुझे क्वेश्चंस पता चल जाए, अगर मुझे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटजीज पता चल जाए तो दैट विल बी मच मोर देन इनफ। ड्रॉपर के लिए यही है कि कभी भी ये माइंड में मत आने देना कि मैंने ड्रॉप लिया है या मैंने रिपीट किया है, है ना। मैक्सिमम जो एजुकेटर्स भी हैं या मैक्सिमम जो IITians भी हैं वो एक टाइम तो रिपीट करते ही हैं, तो बाद में कोई नहीं पूछने वाला होता है कि आपने रिपीट किया या नहीं किया। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये कि ये माइंड में होना चाहिए कि हम ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ बैक ऑफ द माइंड ये भी होना चाहिए कि हमारा साल वेस्ट हुआ है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जाने से पहले एक कंक्लूजन जरूर देना चाहूँगा कि ड्रॉप लेने का आप बाद में ही सोचें, पहले ड्रॉप लेने का बिल्कुल भी मत सोचें। आई वुड प्रेफर कि अगर कोई अच्छा कॉलेज में कोई अच्छी ब्रांच मिल रही है तो चले जाना, इज मच बेटर देन ड्रॉपिंग द ईयर। बिकॉज इफ यू डिडेंट गेट योर मच जिस पे आपको जाना चाहिए था, अगर आप वहाँ नहीं पहुँच पाते हो तो बाद में गिल्ट रहता है, और गिल्ट लिखना मैं भूल ही गया था। सबसे ज़्यादा जो मतलब बच्चों को यही होता है, गिल्ट हमेशा सताता रहता है, और ये जो गिल्ट होता है यही हमें ड्रॉपर में खाता जाता है अंदर से, और फिर हमारा बैकलॉग होता है, और बैकलॉग तो बिल्कुल भी मत करना। बैकलॉग पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। तो आई थिंक प्रॉपर के लिए यही स्ट्रैटेजी होगी। स्ट्रैटेजी का माइंड में यही रखना है कि हमें पूरी दीवार दोबारा से नहीं बनानी, थ्योरी नहीं दोबारा से बनानी है, NCERT की लाइन बाई लाइन नहीं पढ़नी। वी ऑलरेडी नो द थिंग्स,
ओनली द नो इज हमें पता करना है कि दीवार अगर है तो उसमें कहाँ कहाँ पे गड्ढे हैं, वहां पे कहाँ कहाँ पे काली पोता हुआ है, क्या क्या कमियां हैं, उसको बस हमें को पहचानना है और उसको बस पोत देना, उसको बस पॉलिश कर देना। अगर आप अपनी कमियों को पहचान के और उस कमियों को बस ढक दिए तो अपने आप आपका जेई में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर ऐसे ही वीडियोस देखना है और अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड लव यू ऑल।